Hello everyone and welcome to ITLS Academy, Empower the Youth. Today in this lecture, we will going to start our new topic of discussion, that is Laboratory Standard Operating Procedure. This topic is related to all the standard operating procedures that are taken in food analysis labs. So in this section, we will see what are the procedures, what are the standard operating procedures that is taken for analyzing any food in the labs. So let's get started with the topic and let's see the introduction part. So the introduction says that standard operating procedures, that is SOPs or best practices for general food analysis laboratory. SOPs are also documents and contain written step-by-step instruction that laboratory staff should meticulously follow when performing a procedure. Laboratory standard requires that written SOPs are developed for all the laboratory work that involves hazardous chemical or physical hazards. SOPs are written documents that provide step-by-step instruction for completing laboratory procedure. So what are SOPs? सिंपल में अगर हम बात करें कि SOPs क्या हैं, तो SOPs एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि यूज होते हैं वाइल परफॉर्मिंग एनी जनरल फूड एनालिसिस इन दी लैब. SOPs एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है लैब्स में, तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लेबोरेटरी स्टाफ को माइंड में रखना है या फॉलो करना है जब भी वो कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं. क्योंकि जो लैब्स हैं, लैब्स में क्या है, फिजिकल हजार्डियस केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं और केमिकल हजार्डियस केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं, तो इन के साथ कैसे डील करना है, इनके साथ कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें उस SOPs में या उस रिटन डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी लिखा होता है. सो SOPs इन सिंपल लैंग्वेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है लेबोरेटरी स्टाफ के लिए कि किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर लैब्स में प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए. Then comes precision. Precision refers to the reproducibility of replicate observation, typically measured as standard deviation, that is SD, standard error, that is SE, or coefficient of variation, that is CV. Precision is determined not on reference standard but also use the actual food sample, which cover a range of concentration and variety of interfering material usually encountered by the analyst. So precision kya hai? Precision simple language mein ki jo precision hai wo indicate karta hai ki koi bhi instrument same result kaise produce kar sakta hai jab usko bar bar test kiya ja raha hai. मतलब कि प्रेसिशन है. फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब वो परफॉर्म करा, आपकी एक सर्टन रीडिंग आ गई, अब उस वो रीडिंग सही है कि नहीं सही है उसको चेक करने के लिए आप दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो जस्ट टू चेक योर करेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अगर नेक्स्ट टाइम में भी, सेकेंड टाइम में भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग सेम आ गई, तो वी थॉट कि हाँ, जो हमारी फर्स्ट रीडिंग थी वो सही थी. बट इन केस अगर सेकेंड टाइम पे रीडिंग मैच नहीं करती है फर्स्ट टाइम से, तो वी सी कि हाँ, यहाँ पर एरर है. तो प्रेसिशन क्या करता है? प्रेसिशन एक कंटिन्यूस रिप्रोड्यूसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि मतलब कंटिन्यूस कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो जब तक कि जो रीडिंग है वो फर्स्ट रीडिंग से मैच ना कर जाए. तो दिस इज़ प्रेसिशन. प्रेसिशन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रेप्लिकेट ऑब्जर्वेशन, जो कि करेक्ट एक तरीके से होता है कि आप करेक्शन देखते हैं एक्सपेरिमेंट का.
सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई प्रेसिशन इज इम्पॉर्टेंट इन लैब्स. प्रेसिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है लैब्स में, व्हाट इज़ द रीज़न. क्योंकि अब लैब्स हैं तो उसमें देयर आर चांसेस कि जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो जाए. ठीक है, देयर आर चांसेस तो बैड इक्विपमेंट्स हो गया या पुअर डेटा प्रोसेसिंग हो गया या जो ह्यूमन है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उससे कोई एरर हो गया, तो जिसके वजह से जो रिज़ल्ट आता है एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो इनएक्यूरेट हो सकता है. तो दैट इज़ द रीज़न जो प्रेसिशन है ये सीरीज ऑफ मेजरमेंट लेता है सेम एक पर्टिकुलर सेम थिंग का जब तक कि उसका जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वो सही ना आ जाए. तो जस्ट टू अवॉइड ह्यूमन एरर, पुअर डेटा प्रोसेसिंग, बैड इक्विपमेंट, प्रेसिशन इज़ यूज्ड. नाउ सी देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेसिशन. अब बहुत सारे मेथड हैं प्रेसिशन को परफॉर्म करने के लिए. वन ऑफ द मेथड इज एज फॉलोज एज थ्री सेपरेट कॉन्सेंट्रेशन लेवल शुड बेस्ट स्टडीड इंक्लूडिंग अ लो कॉन्सेंट्रेशन नियर द सेंसिटिविटी लेवल ऑफ द मेथड an intermediate concentration and concentration near the upper limit of the application of the method. तो इस method में हम three separate concentration levels लेंगे. First जो concentration होगा वो low concentration होगा. Second एक हमारा intermediate concentration होगा and the last is जो concentration हम high concentration लेंगे जिसकी जो upper limit होगी वो ज़्यादा होगी. Then फिर हम क्या करेंगे, सेवन रेप्लिकेट डिटर्मिनेशन शुड बी मेड एट ईच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टेस्टेड. तो जो आपने तीन कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं दैट इज लो, मीड, इंटरमीडिएट एंड अपर लिमिट कॉन्सेंट्रेशन, इसमें सेवन रेप्लिकेट डिटर्मिनेशन हम लोग हर एक कॉन्सेंट्रेशन का टेस्ट करेंगे. टू अलाउ फॉर चेंजेस इन इंस्ट्रूमेंट कंडीशन प्रेसिशन स्टडी शुड cover at least 2 hours of normal laboratory operation. तो कितना precision study को कितना hours चाहिए, 2 hours. To permit the maximum interference in sequential operation, it is suggested that the sample be run in the following order. तो अगर आपको करना है कि जो आपका operation एक वो sequence wise carry हो या sequence wise perform हो तो उसके लिए हम जो सैंपल है उसको अंडर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के थ्रू उसको रन करते हैं. फॉर एग्जांपल हाई, लो एंड देन इंटरमीडिएट. जो प्रेसिशन स्टेटमेंट है शुड इंक्लूड अ रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज एसडी ओवर अ टेस्टेड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रेसिशन को परफॉर्म करते हैं. देन कम्स एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल वैल्यू, मीन्स एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही. सो एक्यूरेसी रिफर्स टू अ डिग्री टू द डिग्री दैट इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअल वैल्यूज. तो आपकी एक्यूरेसी क्या करती है, एक्यूरेसी सिंस द नेम सजेस्ट कि जो भी रीडिंग हो वो एक्यूरेट हो, उसको देखने के लिए कैसे करते हैं कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड आपने रीडिंग लिया है और जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है. ठीक है, तो जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है और जो आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है उसको हम लोग उसके डिफरेंस से हम लोग एक्यूरेसी किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की निकालते हैं. सो एक्यूरेसी क्या है कि एक्यूरेसी इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू एनालाइज द ट्रू वैल्यू. मतलब जो उसकी ट्रू वैल्यू हो वो कैसे निकलेगी, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्चुअल वैल्यू. सो द एक्चुअल वैल्यू इज ऑफन डिफिकल्ट टू ए सर्टन. इट मे बी द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय अ स्टैंडर्ड रेफरेंस मेथड. तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है उसको निकालने के लिए, उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस मेथड से उसको ऑब्टेन करते हैं. Then comes another means of evaluating accuracy is by addition of a known amount of material being analyzed for the food sample and then calculation of percent degree recovery. This later approach entitles the following steps.
known amount of particular constituent are made to an actual sample at the concentration for which the precision of the method is satisfactory. 7 replicate determination at each concentration are made, and the third is accuracy is reported as the percent recovery at the final concentration of the sprinkled sample. So अब हम लोगों ने accuracy कैसे निकालते हैं. First कि जो आपका particular constituent है, जो known amount of a particular constituent, उसको हम actual sample में add करते हैं किसी भी एक particular concentration के लिए. फिर उसको 7 time replicate करते हैं. Why we are replicating it to the 7 time? क्या हुआ? What we are doing? We are doing the 7 replicate determination. मतलब precision हम निकालते हैं हर एक concentration का. Then accuracy, हम लोग final accuracy is reported as a percentage. ठीक है? Percentage recovery at the final concentration of the sprinkled sample. Then comes the first. Let's see the this table. How the accuracy is performed. तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने एक skimmed milk लिया है, एक measure the calcium content of the milk. अब milk में calcium is the main ingredient. उसको और मतलब measure करना है. तो हम लोगों ने उसके कितने samples लिए, replicate किए 11. उसके बाद 11 सैंपल हम लोगों ने मिल्क के रेप्लिकेट किए. उसके बाद द एक्यूरेसी कैन बी मेजर बाय कैलकुलेटिंग द परसेंट ऑफ द स्पाइक, दैट इज 0.75 आपने लिया mg पर लीटर. उसके बाद क्या करो, उसमें फॉर्मूला लगाते, दैट इज मेजर स्प्रिंकल स्पिक्ड सैंपल अपॉन मेजर्ड सैंपल प्लस अमाउंट ऑफ स्पाइक इनटू 100%. तो इससे जो रिजल्ट आता है वो हमें मेथड बताता है कि कितनी एक्यूरेसी है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की. नाउ कम्स द बैलेंस. अब बैलेंसेस क्या होता है? टॉप लोडिंग बैलेंसेस यूजुअली आर सेंसिटिव टू 0.1 to 0.001 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मॉडल इन यूज. This means that they can measure difference in the mass of a sample to 0.1 minus 0.001 grams. So the capacity, matlab the largest mass can be measured increases, the sensitivity decreases. Agar aapke jo mass hai, jo aapko measure karna hai, wo increase hota hai, to jo sensitivity hai, wo decrease ho jati hai. एनालिटिकल मेजर्स जो होते हैं उनको बेसिकली आप मेजर करते हो या यूजुअली सेंसिटिव होते हैं टू 0.001 to 0.0001 ग्राम डिपेंडिंग कि उसका स्पेसिफिक मॉडल क्या है. देन सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी मतलब कि एक वो एबिलिटी ही टू डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस, दैट इज़ नॉट नेसेसरी इक्वल केयर टू एक्यूरेसी, राइट. सो इसमें क्या है, तो डिग्री टू विच द बैलेंस करेक्टली रिपोर्ट द एक्चुअल मास. नाउ कम्स चॉइस ऑफ बैलेंस. अब आता है कि आप बैलेंसेस, जो बैलेंस है उसकी कैसे चॉइस कर सकते हैं. तो बैलेंस की चॉइस होने के लिए वन वे टू डिटरमाइन is by calculating how much relative percentage error would be introduced by a given type of balance. Matlab, for example, agar if 0.1 gram of a reagent was needed, weighing it on the top loading balance accurate within only plus minus 0.2 grams of the actual mass would introduce approximately 20% error. Then comes the use of top loading balances. These instructions are generalized but apply the use of most model of the top loading balances. इसमें क्या करते हैं, इसमें what we do, the level of balance using the bubble level and the adjustable feed, that is leveling is required
so that the balance perform correctly. Then either zero the balance, so the balance reads zero with the nothing on the pen, or tar the balance so that the balance reads zero with the container that will hold the sample, empty beaker, weighing board, etc. on the weighing pan, weigh the sample. अब कैसे आप उसको लोड कर दो, या तो आप उसमें सैम्पल अपना पुट करो, या आप अपना पहले एम्प्टी बीकर को वे करके देन आप सैम्पल को अपने प्लेस कर सकते हैं. देन कम्स द यूज़ ऑफ एनालिटिकल बैलेंसेस. द यूज़ ऑफ द एनालिटिकल बैलेंसेस इज द फॉलोइंग जनरल रूल्स आर अप्लाई टू मोस्ट एनालिटिकल बैलेंसेस एंड शुड बी फॉलोड टू एंश्योर दैट एक्यूरेट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड एंड दैट द बैलेंस इज नॉट डैमेज्ड बाय इम्प्रॉपर यूज. एनालिटिकल बैलेंसेस आर इनएक्सपेंसिव, आर एक्सपेंसिव प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रीट देम सच, मेक श्योर दैट द बैलेंस इज लेवल एंड is on a steady table or a bench free of the vibration. Once these conditions are met, the same procedure is specified above for the top loading balance is used to weigh the sample on an analytical balance. Always leave the balance clean. So this is your duty ki jo aap after taking the readings you should always clean your equipments and other things. अब सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. द फर्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी. प्रेसिशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी वुड रिफर्ड टू एज द लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट व्हेन कंपेयर to its true value. And what is precision? Precision is the, on the other hand, refers to the closeness of two more measurement to each other. तो ये questions generally पूछे जाते हैं, but you have to keep this in your mind while performing the experiment. Now comes the end of the topic. So before ending the topic, let us discuss what are the questions that can be asked in the exams. Be asked in the exam is, first is, they can ask you about SOPs. What are SOPs? Why SOPs are important while performing any laboratory experiment. They can ask you about precision. They can even ask you about, explain any one method to for the determination of precision. You have to explain this one method. Then they can ask you about accuracy. Even they will ask you about the difference between accuracy and precision that I have already told you. So these are certain types of questions that can be asked in the exam. Even they will ask you about balances also. इन सारे चीज़ों की आपको knowledge होनी चाहिए while you are performing any experiment in the labs, कि balances क्या होते हैं, analytical balances का क्या use है. तो I hope you have understood this lecture. Thank you students, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can follow us on Twitter, Instagram, Facebook, and you can visit our website, that is www.itlsacademy.com. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.